गुड इवनिंग, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो हम बात करते हैं माइक्रोवेव वेव गाइड्स के बारे में। ठीक है, वेव गाइड्स क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ठीक है, इसमें बात करते हैं इस वीडियो में। तो बेसिकली जो माइक्रोवेव में जो वेव गाइड्स होते हैं वो एक्चुअली इस टाइप के दिखते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, मेटेलिक हॉलो ट्यूब होते हैं जिनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है अंदर वाला, यानी कि ये वाला, ये एकदम यूनिफॉर्म होता है। मतलब पूरे जो वेव गाइड हैं इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया एकदम कांस्टेंट होता है। अब इसमें कई तरीके की वेव गाइड हैं, ठीक है, जैसे कि ये तो सॉलिड हैं एकदम, ये इस टाइप के हैं फ्लेक्सिबल वाले, ठीक, सर्कुलर टाइप के भी होते हैं, ये रेक्टेंगुलर में हैं। ठीक है, तो जो वेव गाइड हैं वो बेसिकली उसका काम ये होता है कि EM वेव, यानी कि जो माइक्रोवेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है, तो जो EM वेव है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। लेट सपोज़ कि इस जगह एक डिवाइस है और एक इस जगह डिवाइस है, माइक्रोवेव को यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए हमें वेव गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। और जो वेव गाइड होती है वो क्या होती है, मेटेलिक हॉलो ट्यूब, ठीक है। और लाइक आप इसकी जो बेसिक फंक्शनिंग है वो आप ये देख सकते हैं, मेटेलिक हॉलो ट्यूब होती है यूज टू डायरेक्ट EM वेव। ये EM वेव को बताती है कि आखिर उसे जाना किस डायरेक्शन में, ठीक है। और एक और बात ये कि जो इसका लाइक रेजिस्टेंस होता है, एक तरह से ये कह सकते हैं जो लॉस होता है इसमें वेव गाइड में बहुत कम होता है। मतलब कि आपकी जो माइक्रोवेव है, जो EM वेव है, वो आपकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकती है बहुत कम लॉस के साथ में, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो टाइप हैं इसके वो मेनली रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हैं, बट अब तो फ्लेक्सिबल मतलब यूज़ में आते हैं ज़्यादातर जो माइक्रोवेव डिवाइसेस होते हैं उसमें फ्लेक्सिबल यूज़ में आते हैं। रेक्टेंगुलर और सर्कुलर तो उस जगह पर यूज़ में आते हैं जहाँ पर डिवाइस को कभी मूव नहीं करना होता है, ठीक है। तो वैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेक्टेंगुलर सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और फ्लेक्सिबल कभी नहीं आता क्योंकि ये अभी कोर्स में नहीं है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, मैं एक एक करके सारे एक्सप्लेन करूँगा।